हेलो स्टूडेंट्स, लेटेस्ट आर्ट लेक्चर नंबर 7.1 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 26 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है क्वेश्चन को समझना। अगर हमने क्वेश्चन को एक बार समझ लिया तो उसके सॉल्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन तो वैसे ही होगा जो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 7.1 पार्ट 1 में क्वेश्चंस कराए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीन स्टेप में क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 में आप देखिए कि कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे। अगर सपोज वो बात कर रहा है एक कोन की और वॉल्यूम की बात कर रहा है, रेडियस की बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 में इसके बीच में जो रिलेशन आपको नोन है, जो आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू 1/3 πr² h, वो मेंशन कर दीजिए। अब स्टेप नंबर 2 में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास वो मेंशन कर दीजिए। और स्टेप नंबर 3 में जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है वो मेंशन कर लीजिए, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर इतना पार्ट आपका सही हो गया तो इसके आगे सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। मेन इस क्वेश्चन में यहीं तक आता है कि आपने स्टेप नंबर 1, 2 और 3 अगर ये इंफॉर्मेशन सही लिख दी तो सॉल्यूशन में तो 2-3 लाइन 4 लाइन में सॉल्यूशन हो जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15th में क्या है, देखिए अब क्या क्या है। लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। लेंथ एक्स की बात कर रहा है, एक्स लिख दे दे। विड्थ वाई की बात कर रहा है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। विड्थ वाई हो गई आपके पास यहां पे। अब ये कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ की बात कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, मीन्स पैरामीटर है एरिया है। मीन्स यहां पे हमारे पास एक्स है, वाई है, पैरामीटर है एंड एरिया है। तो इनके बीच में जो जो रिलेशन आपको मालूम है वो मेंशन कर दीजिए कि लेट, तो देन वी नो पी इज इक्वल टू पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, से दिस इज 1 एंड एरिया इज एक्स इंटू वाई, दिस इज 2। तो ये स्टेप नंबर 1 था। अब देखिए क्या क्या जो इंफॉर्मेशन उसने गिवन है हमारे पास उसको नोट डाउन कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 में, कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। जो लेंथ एक्स है वो डिक्रीज कर रही है, किस रेट से, 5 cm/min। मींस ये जो डिक्रीज कर रही है एक मिनट में 5 cm, मींस गिवन है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 cm/min। डिक्रीज कर रही है तो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। विथ वाई इज इंक्रीजिंग, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 cm/min, ये हमें गिवन है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 6, मतलब जब एक्स की वैल्यू 8 है, जब एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 6 है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, मींस इंस्टेंटेनियस बात कर रहा है ये हमारे पास। ये देखिए हम लोगों को पता है कि जो डेरिवेटिव है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, तो इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है कि एट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। मींस वी हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, जैसे स्टेप नंबर 3 में बताया था कि वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, मींस डीपी अपॉन डीटी। कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 6, तो पहला तो हमें ये फाइंड करना है। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 6, ये फाइंड करना है। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था इस क्वेश्चन में जो आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में यहां तक अभी कुछ भी नहीं किया हमने, सॉल्यूशन तो स्टार्ट ही नहीं किया। ये हम लोगों को नोन है, वो लिखना है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखनी है। स्टेप नंबर 3 में जो फाइंड आउट करना है वो, और अगर ये हो गया आपका तो मान के चलिए आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा चीजें ध्यान देनी है। तो अब देखिए हमें dp अपॉन dt निकालना है, और हमें dx अपॉन dt, dy अपॉन dt गिवन है, और px y में रिलेशन गिवन है।
तो हमें देखिए डीपी, फिर से एक बार देख लीजिए डीपी अपॉन डीटी, क्योंकि एक ही तरह से प्रोसीड होंगे। डीपी अपॉन डीटी निकालना है और पी की रिलेशन हमें एक्स और वाई की टर्म्स में गिवन है, और यहाँ पे डीएक्स अपॉन डीटी गिवन है और डीवाई अपॉन डीटी गिवन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। नो, पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डीएक्स अपॉन डीटी प्लस डीवाई अपॉन डीटी, और डीएक्स अपॉन डीटी हमारे पास है दिस माइनस फाइव, और dy अपॉन dt हमारे पास है 4, दैट इज दिस इज माइनस 1 इंटू 2, दैट इज माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मींस यहां पे पेरीमीटर क्या हो रहा है, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें फाइंड आउट करना है dp अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6, तो ये माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट ही रहेगी, क्योंकि x y की वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ऑल्सो a इज इक्वल टू x इंटू y, दिस इंप्लाइज da अपॉन dt इज इक्वल टू x dy अपॉन dt प्लस y dx अपॉन dt, एंड dy अपॉन dt हमारे पास है 4, और y dx अपॉन dt हमारे पास माइनस 5। तो ये हो जाएगा da अपॉन dt इज इक्वल टू 4x माइनस 5y, एंड दिस इंप्लाइज हमें फाइंड आउट करना है, देखिए क्या जो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था dy अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू 8 रख देंगे तो 32 माइनस 30, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो यूनिट जरा ध्यान से लगाइएगा, तो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, लिखेंगे आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस का साइन मत लगाइएगा। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो मैं क्यूब की बात कर रहे हैं, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। द वॉल्यूम की बात कर रहा है यहां पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहा है। तो अगर हमारे पास ए साइड है इसकी, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ये हम नोट डाउन। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, उसके बाद सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो सरफेस एरिया अगर इसका साइड ए है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6a square। तो ये इंफॉर्मेशन पहले हम लोग लिख लेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में तो हमारे पास ये आएगा। उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है हमारे पास, जो वैल्यूज हमें गिवन है, वो हम लोग नोट डाउन करेंगे और फिर हमें जो फाइंड आउट करना है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल आ गया यहां पे हम लोगों के पास, हमने वो इंफॉर्मेशन देख लिया कौन कौन सी टर्म्स, वॉल्यूम दिया है, सरफेस एरिया, तो हमने अभी क्वेश्चन को कुछ नहीं छुआ, जो इंफॉर्मेशन जो हमें नोन है चीजें वो लिख ली कि सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है और वॉल्यूम का क्या है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। मींस जो गिवन टर्म है वो क्या है स्टेप नंबर 2 में, कि डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू 9। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब ये तो स्टेप नंबर 2 हो गया, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो मींस ds अपॉन dt हमें ये फाइंड आउट करना है, और कब, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, कि जब एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मींस व्हेन a इज इक्वल टू 10, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यही बताया था, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आपने लिख ली तो आगे 70% क्वेश्चन हो गया। अब तो आपको जरा सा देखना है क्वेश्चन कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए s हमारे पास 6a square गिवन है, ds अपॉन dt निकालना है, तो जब हम ds अपॉन dt निकालेंगे तो हमें da अपॉन dt तो गिवन नहीं है। अगर हमारे पास da अपॉन dt गिवन होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, आंसर आ जाता। पर अब क्या है, हमारे पास da अपॉन dt गिवन नहीं है, बट
डीवी अपॉन डी टी गिवन है तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा हमारे पास। तो देखिए वी इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, तो डीवी अपॉन डी टी हमें गिवन है और यहां से आएगा 3a² डी ए अपॉन डी टी, मीन्स ये टर्म गिवन है हमारे पास, तो हम यहां से डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए बस थोड़ा सा ये सोचना है कि किस तरह से प्रोसीड करना है। क्वेश्चन बहुत इजी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहां पे मैंने आपको बताया है कि ds अपॉन dt निकालना है, तो डायरेक्ट da अपॉन dt नहीं गिवन है, dv अपॉन dt गिवन है, तो dv अपॉन dt जब आप करेंगे तो टर्म मिलेगी da अपॉन dt वाली, तो यहां से आप da अपॉन dt निकाल लीजिए और उस da अपॉन dt को यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, v इज इक्वल टू a क्यूब dv अपॉन dt 3a² da अपॉन dt, तो दिस इंप्लाइज dv अपॉन dt हमारे पास 9 गिवन है इज इक्वल टू 3a² da अपॉन dt, तो दिस इंप्लाइज da अपॉन dt इज इक्वल टू 9 अपॉन 3a², दैट इज दिस इंप्लाइज da अपॉन dt इज इक्वल टू 3 अपॉन a² से दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड। अब देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यहां से हमारे पास डी ए अपॉन डी टी आ गया और हमें पता है कि डी एस अपॉन डी टी, यहां पर ही हमने सोच लिया था कि जब डी एस अपॉन डी टी निकालेंगे तो डी ए वाली डी टी टर्म आएगी, वो हम लोगों के पास मेन टारगेट था, वो हम निकाल चुके। तो चलिए यहां से हमारे पास फर्स्ट इंप्लाइज एस इज इक्वल टू 6a² डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12a डी ए अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी 12a da upon dt is 3 upon a², so a से a cancel and this is equal to 36 upon a, तो ये आ गया हमारे पास ds upon dt, सॉल्व हो चुका है ds upon dt और हमें ds upon dt फाइंड आउट करना है at a is equal to 10, तो 10 की वैल्यू, a की वैल्यू 10 रख दीजिए, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो यहां पे इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास जो नोन वाली होती है जिसमें हम लोग सर्कल सिलेंडर कोन इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया, वो नहीं है सिंपल हमारे पास। यहां पे देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू 2/3 x³+1। तो सपोज ये एक कर्व इस तरह से आ जाता है, ये एक कर्व है y इज इक्वल टू 2/3 x³+1। अब यहां पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट अलग तरीके से चेंज हो रहा है, हमें वो बताना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मीन्स dy अपॉन dt twice as fast as x coordinate, means हमें वो particular point find out करना है where क्या हो, जो dy upon dt है वो twice हो dx upon dt के, means rate जो y coordinate change हो रहा है, means rate of change of y coordinate वो twice हो rate of change of x coordinate के, वो point हमें find out करना है, means x y हमें find out करना है, ये हमें find out करना है। तो देखिए क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3 x³+1, वी हैव टू फाइंड x कॉमा y सच दैट क्या हो, dy अपॉन dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx अपॉन dt हो। तो बहुत सिंपल है, अब यहां पे से दिस इज फर्स्ट, इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और वहां पे आप जब dy अपॉन dt इज इक्वल टू ये वाली कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x और y मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंप्लाइज डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्स्ट को, dy अपॉन dt इज 2/3 × 3x² dx अपॉन dt, 1 का 0, dy अपॉन dt इज ट्वाइस ऑफ dx, सबसे दिस इज सेकंड, तो dx अपॉन dt फ्रॉम सेकंड, यहां पे हमने dy अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दी, 2dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2x² dx अपॉन dt एंड दिस इंप्लाइज इसको इधर ले गए तो ये हो गया हमारे पास 2 dx अपॉन dt ऑफ x² -1 इज इक्वल टू 0।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि कर्व तो हमेशा वैरी करेगा, एक्स हमेशा चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, टू जीरो नहीं हो सकता, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस वन, तो वेन एक्स इज इक्वल टू वन तो वाई इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री वन क्यूब प्लस वन, दैट इज टू अपॉन थ्री प्लस वन, दैट इज फाइव अपॉन थ्री, और वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, दैट इज माइनस टू अपॉन थ्री प्लस वन, दैट इज थ्री माइनस टू वन अपॉन थ्री। तो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, पॉइंट्स आर जो एक्स वाई निकालना था वन कॉमा फाइव बाय थ्री एंड माइनस वन कॉमा वन बाय थ्री, माइनस वन कॉमा वन बाय थ्री, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर्स फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट व्हिच इज 6 मीटर हाइट, फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस। तो कोन्स फेयर ये सब केस तो है नहीं, या तो यहां तो हम लोगों का अपना ही फिगर बनेगा। तो क्या कहता है कि आपके पास एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट व्हिच इज 6 मीटर हाई, ये एक लैम्प पोस्ट है। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आर अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट। अब एक आदमी जो अभी यहां पे था 2 मीटर हाइट का, उसने लैम्प पोस्ट से अवे वो चला, और किस स्पीड से चला, 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला। तो हमने मान लिया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एट एनी टाइम टी वो आदमी यहां पहुंच गया, उसकी हाइट है 2 मीटर, तो ये उसकी हाइट हो गई 2 मीटर। अब उसने क्या किया, फाइंड द रेट, और उसने जो डिस्टेंस इस टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज वो एक्स है, मींस एट एनी टाइम ही ट्रेवल्ड एट द डिस्टेंस एक्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अब क्या हुआ, यहां पे वो है, अब उसकी शेडो बनेगी, तो हम लोग ये शेडो इस समय पे, जब एट एनी टाइम टी, तो शेडो इस समय ये है, ये शेडो आ गई, ये शेडो की लेंथ आ गई, सपोज लेंथ ऑफ शेडो इज वाई एट एनी टाइम टी। तो जैसे जैसे वो यहां पे, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस, कि किस तरह से उसकी शेडो इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे ये इधर की तरफ मूव करेगा उसकी शेडो जो है वो क्या होगी, जब वो इधर आया तो उसकी शेडो इस तरह से चलेगी ये, तो उसकी शेडो किस कितनी इंक्रीज करेगी ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें आता है कि आप डायग्राम बना लीजिए, लेट एट एनी इंस्टेंट मैन वॉक्स एक्स किलोमीटर अवे, यहां से एक्स किलोमीटर अवे फ्रॉम पोल वो मूव किया, एंड एट दैट टाइम वाई इज द लेंथ ऑफ द इमेज, वाई उस समय इमेज की लेंथ है। तो बहुत सिंपल है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आर, मींस कि डी एक्स अपॉन डी टी हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आर, विच इज 6 मीटर हाई, वो हम लोगों के पास यहाँ पे आई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस, हमें डी वाई अपॉन डी टी, ये डी वाई अपॉन डी टी ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टेप नंबर 1 जो मैंने बताया था उसमें हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, स्टेप नंबर 2 जो गिवन है वो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया, डी वाई अपॉन डी टी ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे वी इज इक्वल टू ए क्यूब था और डी ए अपॉन डी टी हमें गिवन था, यहां से हम इसे डिफरेंशिएट कर देते थे, मींस जो चीज हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसके बीच में रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए। तो यहां पे हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए, बस इस क्वेश्चन में यही एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये बहुत सिंपल है कि हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, ओके। अब ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, अब हम इसको पॉइंट मेंशन कर देते हैं, से दिस इज ए, से दिस इज ए बी सी डी ई एफ, हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देखनी है। तो देखिए ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का 6 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 होगा। तो अगर हम लोग ट्राइंगल की हमें x और y में रिलेशन देखना है, तो x और y में रिलेशन के लिए देखिए कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, किस ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में x है, इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल में y है, दोनों बेस हैं। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, कौन कौन से ट्राइंगल की, कि ई एफ डी और डी बी सी, तो क्या है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, और ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम है। तो मींस आपके पास ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो x अपॉन y और इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा, और इसी से हम लोगों के पास x और y में रिलेशन आ जाएगी। तो देखिए देखिए ओरली तो मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। और इस ट्राइंगल की बात करिए, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो ये 90 डिग्री है, यानी कि ई एफ डी इज इक्वल टू डी बी सी, ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया 90 डिग्री, और ये वाला एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू डी सी बी, ई डी एफ इज इक्वल टू डी सी बी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास, दो लाइन ये पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट करे ट्रांसवर्ड लाइन, तो ये वाला एंगल हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, वही केस यहां पे आ रहा है हमारे पास, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ई एफ डी एंड डी बी सी सिमिलर हो गए, और अगर ये सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो भी सेम हो जाएगा। मींस आपके पास ई एफ अपॉन इस वाले ट्राइंगल का अपॉन डी बी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन बी सी, हमारा इसी से इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा, एडी और डीसी वाला लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ई एफ तो हमारे पास है 4, डी बी हमारे पास है, देखिए डी बी ये हमारे पास है 2, इज इक्वल टू एफ डी हमारे पास है x और बी सी हमारे पास है y, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2y, बस ये हम लोगों को रिलेशन मिल गई। यहां से इतना सा काम था, ये वाला काम हमारे पास था, dx अपॉन dt हमें गिवन है, dy अपॉन dt निकालना है। अब यहां से आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए और dx अपॉन dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में यही है, नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 dy अपॉन dt एंड दिस इंप्लाइज dx अपॉन dt हमें 5 गिवन है इज इक्वल टू 2 dy अपॉन dt एंड दिस इंप्लाइज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, मींस ये उसका रेट ऑफ चेंज है, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था, कोई चेंज नहीं है। ए गर्ल ऑफ हाइट 1.6 मीटर वॉक एट द रेट ऑफ 15 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम लैंप व्हिच इज 4 मीटर अबव, तो ये लैंप आ गया 4 मीटर का, ये एक गर्ल ऑफ हाइट 1.6 वॉक एट द रेट ऑफ दिस अवे फ्रॉम द लैंप, तो यहां से हम लोगों ने सपोज इसका एट एनी इंस्टेंट जो गर्ल ने वॉक किया डिस्टेंस वो एक्स मीटर है, और उस समय पे ये 1.6 मीटर की उसकी हाइट है, तो ये 1.6 मीटर की उसकी हाइट है, और उसकी जो शेडो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बन रही है वो ये बन रही है, मींस ये उसकी शेडो बन गई उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे। हाउ फास्ट इज द गर्ल शेडो लेंथनिंग, उसकी शेडो किस रेट से इंक्रीज कर रही है ये हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि गर्ल की हाइट ये हमारे पास 1.6, ये हमारे पास 4, और dx अपॉन dt यहां से वो गर्ल जो मूव करी वो x मीटर करी, और वो क्या कह रहा है, वॉक्स एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर मिनट, मींस dx अपॉन dt हमें 50 मीटर पर मिनट ये गिवन है, और हमें गर्ल्स शेडो लेंथनिंग, हाउ फास्ट इज द गर्ल शेडो लेंथनिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है, मींस dy अपॉन dt ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर वही होगा, हम लोग सबसे पहले x और y में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, मेंशन कर दिया a b c d e f
अब डिटेल में आपको पूरे लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग डेटा से ही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल एफ डी ई की बात करें, तो ये एंगल हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सेम होगा। मीन्स एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते साथ ही ये जो आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एफ दिस इंप्लाइज एंड ट्राइंगल एफ डी ई आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। मींस ए बी दिस इंप्लाइज ए बी, ये वाली साइड अपॉन एफ डी इज इक्वल टू, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। मीन्स बी एफ अपॉन डी ई, ये हो गया। एंड दिस इंप्लाइज अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी हो गया हमारे पास 4-1.6 अपॉन एफ डी, एफ डी हमारे पास 1.6 इज इक्वल टू बी एफ, ये हमारे पास एक्स अपॉन वाई, बस एक्स और वाई में यहां से रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिलेशन आ गया 3y इज इक्वल टू 2x। अब आप यहां से इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2dx अपॉन dt एंड दिस इंप्लाइज dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और dx अपॉन dt हमें 50 गिवन है, दैट इज 100 अपॉन 3 मीटर पर मिनट, दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है हमारे पास कि इसका डायग्राम ड्रॉ करना और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, यही एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ए काइट इज 120 मीटर हाइट एंड 130 मीटर स्ट्रिंग इज पेड आउट। तो 120 मीटर उसकी हाइट है और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 130 मीटर है, ये 130 मीटर है। इफ द काइट इज मूविंग हॉरिजेंटली, काइट तो हॉरिजेंटली ही मूव कर रही है, एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग ये मान लें कि ये डिस्टेंस x है, तो काइट का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, वो गिवन है हमारे पास 5.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास गिवन है। एट विच रेट द स्ट्रिंग इज बींग पेड आउट। अब देखिए जब ये यहां पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बात कर रहा है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है ये भी क्या होगी, ये भी इंक्रीज करेगी। तो हमें बताना है कि स्ट्रिंग की लेंथ किस रेट से इंक्रीज करेगी। अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ वाई है तो ये डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, ये बताना है। देखिए ये जो 130 जो गिवन है हमारे पास वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे है वो, और जबकि स्ट्रिंग क्या कर रही है, स्ट्रिंग इससे पहले भी चेंज कर रही है, बाद में भी चेंज कर रही है। तो हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो 130 मालूम है, पर हमें रेट ऑफ चेंज बताना है। तो जब वो 130 इसी को कहते थे हम इंस्टेंटेनियस, ध्यान दीजिएगा जो डेरिवेटिव है वो इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करता है। तो उस इंस्टेंट पे जब आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 130 मीटर है, चेंज क्या होगा वाई में वो निकालना है, मींस dy अपॉन dt फाइंड करना है। और dy अपॉन dt कब, जब आपके पास y 130 है, मींस y आपके पास 130 है। तो जब y 130 होगा तो x कितना होगा, अगर हम सिंपल देखें यहां पे तो ये तभी पूरा कंप्लीट होगा कि व्हेन y इज इक्वल टू 130। तो अगर सपोज ये ए सी की बात करें तो 130 स्क्वायर इज इक्वल टू 120 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 130 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर एंड दिस इज, तो x इज इक्वल टू 50 है उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब y 130 है, तो y इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 50, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये इंफॉर्मेशन भी देखिए ये फेयर में करिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ओके तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 50 आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब हमारे पास क्या है कि वी नो, अब देखिए एक्स हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास गिवन है और डी वाई अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है, तो पहले एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट करते हैं, कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम में। ये तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे लगाया, बट अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2y dy upon dt is equal to 2x dx upon dt 120 का 0 and this is dy upon dt is equal to x upon y और dx upon dt हमारे पास गिवन है 5.2। और देखिए ये हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है चार लाइन का। तो ये dy upon dt हमें जो फाइंड करना था वो x is equal to 50 y is equal to 130 पे फाइंड करना था, मींस x is equal to 50 upon 130 into 5.2 दैट इज 26 upon 13 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अवर आंसर। तो चार लाइन का क्वेश्चन है ये, पर जरा ध्यान से करिएगा, ये जो यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि काइट किस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, 130 भी दिया हुआ है, वाई भी एज्यूम कर रहे हैं, तो 130 एक पर्टिकुलर मोमेंट पे है, उसी इंस्टेंट पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्कुलर कोन, तो कोन की बात कर रहे हैं विद सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री इज फिक्स्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस है एंड इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड, और उसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है, मींस कुछ इस तरह का है, ये वर्टेक्स उसका डाउनवर्ड है और ये इसकी एक्सिस हो गई और सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है, मींस ये इसका 45 डिग्री है। अब आप इसमें लिख लेंगे कि लेट आर एच एंड आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि वाटर इज पोर्ड इनटू कोन एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मींस वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो आर एच एंड वॉल्यूम, आर एच एंड वी विद द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन एट एनी इंस्टेंट, फाइंड द रेट। देखिए तो क्या कह रहा है, वाटर इज पोर्ड इनटू कोन एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मींस डीवी अपॉन डीटी ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, कि इसके अंदर जो वाटर आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मींस एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मींस वॉल्यूम है एक सेकंड में। फाइंड द रेट, अब जैसे जैसे उसके अंदर पानी आएगा तो क्या होगा, इसकी डेप्थ इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, वही हमें निकालना है, डेप्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो हमें डी एच अपॉन डी टी निकालना है और वो भी कब, व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज व्हेन एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ भी कह रहा है, डेप्थ भी 4 सेंटीमीटर, मींस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस की बात करता है, तो जब हमारे पास एच उसका 4 है तो इस समय पे उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ है वो क्या होगा। देखिए अलग अलग टाइम पे जब इसके अंदर हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, अलग, चूंकि ये शेप ऐसी है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट से इसकी डेप्थ इंक्रीज करेगी। तो अगर ऐसे होता, सिमेट्रिकल होता तो एक ही हिसाब से जो है इंक्रीज करती, पर चूंकि ये आपके पास कोन है तो जो हाइट उसकी इंक्रीज करेगी वो अलग रेट से करेगी। अगर वाटर एक ही स्पीड से उसके अंदर आ रहा है तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे, मींस व्हेन एच इज इक्वल टू 4, यहां पे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट देखनी है और यही डेरिवेटिव होता है। तो अब ये चीजें आई थिंक क्लियर हो गई, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, और सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री हम लोगों के पास गिवन है, तो सपोज ए बी सी डी मींस हमारे पास और क्या गिवन है, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जो भी चीजें दी हैं उसका हर एक का कहीं ना कहीं तो यूज होना ही है, कहां यूज होगा वो अब हम देखते हैं। देखिए वी और एच में रिलेशन देख लेते हैं, तो वी और एच में रिलेशन है, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वी नो। तो जो अभी तक हम लोगों ने कराया था आपको स्टेप वही करने की, सबसे पहले आपको देखना है वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आर एच की बात कर रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 ये वाला रहेगा, फिर जो गिवन है वो स्टेप नंबर 2 और जो फाइंड आउट करना है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो
चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम लोगों को डीवी अपॉन डीटी, अब हमें डीएच अपॉन डीटी फाइंड करना है, यानी यहां से अगर हम लोग डीएच अपॉन डीटी मींस इसे टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डीवी अपॉन डीटी वाली टर्म आएगी, डीएच अपॉन डीटी आएगी, और ये आर का क्या करेंगे, आर और एच तो आपस में लिंक है, तो आर और एच के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी वाई इज इक्वल टू इसको एच की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, जो हम लोगों को ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये आर है, ये एच है, तो हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो आर और एच में रिलेशन आ जाएगी, उस आर और एच की रिलेशन को, आर की वैल्यू को एच की टर्म्स में यहां पे रख देंगे। अब हमारे पास वी एज अ फंक्शन ऑफ एच आ गया, अब हम टी की रिस्पेक्ट में कर देंगे, डीवी अपॉन डीटी वाली टर्म मिलेगी, डीएच अपॉन डीटी वाली टर्म मिलेगी, डीवी अपॉन डीटी हमारे पास नोन है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डीएच अपॉन डीटी आ जाएगा। तो देखिए ये हम लोगों का मेथडोलॉजी रहेगा, वर्किंग प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए करते हैं, तो देखिए इन ट्रायंगल डीबीसी 1045 डिग्री इज इक्वल टू, अगर ये आर है और ये एच है, इज इक्वल टू आर अपॉन एच, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू आर अपॉन एच, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू एच, से सेकंड, तो फर्स्ट इंप्लाइज वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहां पे हम आर की वैल्यू एच रख देंगे, तो 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर इंटू एच, दैट इज एच क्यूब, से दिस इज थर्ड। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 3 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, 3h स्क्वायर, और यहां पे dh अपॉन dt हमें फाइंड करना है, dv अपॉन dt हमें गिवन है, दिस इंप्लाइज dv अपॉन dt हमें गिवन है 2 इज इक्वल टू, इस 3 से ये 3 कैंसिल, पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt, और यहां से आ जाएगा dh अपॉन dt इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई h स्क्वायर, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फाइंड करना है, मीन्स 2 अपॉन पाई, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दैट इज 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, सेंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मीन्स वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। द फॉलोइंग सेंड फॉर्म अ कोन, अब जब सेंड आ रहा है कहीं ऊपर से तो वो क्या बना रहा है, वो एक कोन बना रहा है, तो कोन किस तरह का बनाएगा, वो हमेशा इस तरह का ही तो कोन बनाएगा, शुरू में इस तरह से सेंड, ये जैसे जैसे हम सेंड डालते रहेंगे वो कोन की शेप लेती रहेगी, इस तरह से आता रहेगा ये। तो हम लोगों के पास V इज इक्वल टू, तो देखिए वॉल्यूम की बात करी, रेडियस भी है, हाइट भी है, द फॉलोइंग सेंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज, अब क्या कह रहा है, हाइट जो है हमेशा इसकी कोन की, ये जो अगर सपोज इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है, तो इस तरह से कोन बना रहा है कि कोन, द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, मीन्स जो हाइट है वो हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीजिंग, किस तरह से ये जो कोन की जो हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज करेगी, वेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब हाइट जो है 4 है, आप कहेंगे हाइट भी 4 है, उसी हाइट का इंक्रीज भी निकाल रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस है, इन जर्नल तो हाइट एच है हमारे पास, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एच इज इक्वल टू 4 पे, यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोगों के पास v गिवन है, r गिवन है, h गिवन है, तो पहले स्टेप नंबर 1 में 1 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर h ये रिलेशन लिख लेते थे, अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते थे, गिवन क्या है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते थे, हमें फाइंड आउट करना है dh अपॉन dt, फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सेंड इंक्रीजिंग एट h इज इक्वल टू 4, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है कि ऑलवेज द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ये यहां पे गिवन है कि h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ r, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, ये हमें फाइंड करना है और ये हमें नोन है, यही हमारे 3 स्टेप थे।
बस अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो dH अपॉन dt आपको निकालना है, ये रिलेशन आपको गिवन है। जब आप इसमें dV अपॉन dt करेंगे तो R और H दो टर्म आ रही है, तो इसकी हेल्प से H इज इक्वल टू 1/6 R की हेल्प से यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 को H में ले आइए और फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। इससे पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पुराने वाले क्वेश्चन में हमें ये एंगल दे दिया था, इस एंगल से हम लोगों ने क्या किया था, H और R में एक रिलेशन फाइंड आउट कर दी थी और उसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दी थी। यहां पे डायरेक्ट H और R में रिलेशन दे दी, तो सेम वैसे ही रहेगा। फर्स्ट इंप्लाइज V इज इक्वल टू 1/3 पाई, R की जगह हो जाएगा 6H, तो ये हो जाएगा 36H स्क्वायर इंटू H, दैट इज ये हो जाएगा 12 पाई H क्यूब। तो dV अपॉन dt इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dH अपॉन dt। दिस इंप्लाइज dV अपॉन dt की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते, 12 इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dH अपॉन dt हमें निकालना ही है, तो ये हो जाएगा dH अपॉन dt यहां से आ गया हमारे पास 1/3 पाई h स्क्वायर। और हमें dH अपॉन dt निकालना था कहाँ पे, h इज इक्वल टू 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 × 3 = 48, 1/48 cm/s, ये 1/48 π। h की जगह 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 × 3 = 48 π, तो 1/48 π cm/s, दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 23 देखते हैं। एक कोनिकल वेजल हुज हाइट इज 4 मीटर बेस 2 मीटर बिंग फिल्ड विद वाटर एट द रेट इतने क्यूबिक मीटर पर मिनट, मींस वॉल्यूम की बात कर रहा है, कोनिकल की बात कर रहा है, हाइट है, रेडियस है, मींस v इज इक्वल टू 1/3 π r² h, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख देते हैं और इसका डायग्राम बना देते हैं। और इसमें क्या गिवन है, कॉनिकल वेजल हुज हाइट इज 4 मीटर एंड बेस हाइट उसकी, ये वाली जो हाइट है उसकी वो 4 मीटर है और रेडियस उसका 2 मीटर है। इसके अंदर हम लोग वाटर फिल कर रहे हैं, किस रेट से, इस रेट से। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, ये जो लेवल ऑफ वाटर है जब हम इसमें वाटर फिल करेंगे तो लेवल ऑफ वाटर राइज करेगा, तो लेवल किस रेट से राइज करेगा, मींस dH अपॉन dt ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.5 मीटर, h इज इक्वल टू, तो सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले के दो क्वेश्चन थे, क्या डिफरेंस है वो देखिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो दो क्वेश्चन थे उसमें रिलेशन h और r में रिलेशन हम लोगों को गिवन थी, कैसे, इनडायरेक्टली। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों के पास यहाँ पे एंगल दे दिया था हमारे पास 45 डिग्री, तो हमने h और r में रिलेशन फाइंड आउट कर ली थी। दूसरे में हमें बता दिया था कि h इज 1/6 ऑफ r, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया था, जो v की वैल्यू थी वो पूरी की पूरी हम h की टर्म्स में ले आए थे। यहां पे भी हमारे पास h और r में रिलेशन गिवन होनी चाहिए, तो वो इनडायरेक्टली दी हुई है, कैसे दी है वो देखिए कि ये रेडियस है। हमने मान लिया कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका जो हाइट है वो h है, इसके इस कोन की टोटल हाइट 4 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है, पर इस और इसके अंदर पानी भर रहे हैं, वाटर हम लोग फिल कर रहे हैं, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी हाइट h है और रेडियस इसका r है। और जब इसकी हाइट 1.5 मीटर, अब इसकी हाइट कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके 4 मीटर तक वेरी करेगी, तो जब इसकी हाइट हमारे पास 1.5 मीटर होगी उस टाइम पे जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वो क्या होगा। देखिए हाइट कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, हाइट वेरी कर सकती है 0 से लेके 4 तक। हमें बताना है कि जब हाइट 1.5 मीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने पूरे कोन की हाइट h ली, रेडियस r लिया, पर यहां पे हाइट और रेडियस कोन का गिवन है हमारे पास। तो अब अगर हम इसे यहां पे देखें, तो अगर हम इसकी बात करें, सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, और अगर हम ट्राइंगल की बात करें ए सी डी, और कौन से ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल की बात करें बी ए बी, ये वाला पॉइंट ए बी सी डी ई, इसे ई कर देते हैं, ए बी ई, इसे रेड से ही लिखते हैं ई। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, तो अगर आप ध्यान दें तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल कॉमन है, मींस ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और अगर ये वाली आर और ये बड़े वाले ट्राइंगल की सी डी,
इज इक्वल टू ए बी, ये हम लोगों के पास एच है और बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट 4 मीटर है, एच अपॉन 4, और एच और आर में रिलेशन आ जाएगी। तो वही अब हम लोग करेंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, कौन से ए बी ई इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी डी, क्या है हमारे पास एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल हमारा कॉमन है दोनों में, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी, एंड एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो दिस इंप्लाइज जो ये ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ये जो बड़ा वाला है ए सी डी आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर हैं तो सिमिलर होने से क्या होगा कि आपके पास ये जो बी ई अपॉन सी डी है, दिस इंप्लाइज बी ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, एंड दिस इंप्लाइज बी ई है हमारे पास आर और सी डी है हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास एच और ए सी है हमारे पास 4, एंड दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू 2R, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास H और R में रिलेशन आ गई, यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23, यही था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ जो H और R में रिलेशन थी वो अलग अलग तरीके से दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 में एंगल दे दिया, 22 में डायरेक्ट रिलेशन दे दी, 23 में क्वेश्चन इस तरह से घुमा दिया। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज v इज इक्वल टू 1/3 pi और r की वैल्यू h/2, तो r की वैल्यू h/2 पुट करेंगे तो h² / 4 इंटू h, दैट इज 1/12 pi h³। और अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से dv/dt इज इक्वल टू 3/12 pi h² dh/dt, ये हमारे पास हो गया 4, और dv/dt की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, एंड दिस dv/dt ये हम लोग मेंशन यहां पे किया नहीं, कर दीजिए कि dv/dt हम लोगों के पास गिवन है 0.75 m³/min, ये हमारे पास गिवन है। तो 0.75 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और dh/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए बहुत सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, dh/dt में h की वैल्यू 1.5 सब्स्टिट्यूट करी, थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट अ स्टेडी रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड थ्रू अ टिनी होल ऑफ एट द वर्टेक्स ऑफ द कोनिकल वेजल। तो फिर से वही बात, कोनिकल वेजल की बात कर रहा है और क्या कह रहा है, इसमें से अब की बार पानी लीक कर रहा है यहां से, कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट द स्टडी रेट, मींस वी इज इक्वल टू वॉल्यूम की बात कर रहा है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये हमें मालूम है। सबसे पहले ये लिखते हैं कि वी नो दैट दिस। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं कि dv/dt स्टडी रेट से वॉल्यूम लीक कर रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से जो है यहां से वॉल्यूम इसका वॉटर जो है लीक कर रहा है। एट द वर्टेक्स ऑफ द हूज एक्सिस इज वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, वैसे नॉर्मल कोर्स में हम वर्टिकली बनाते हैं। व्हेन द स्लाइड, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये लीक करेगा स्लैंट हाइट ऑफ वाटर भी डिक्रीज करेगा। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इन द वेजल इज 4 सेंटीमीटर, अभी फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। अब हम लोगों को स्लैंट हाइट मींस अगर ये एल है तो हमें dl/dt निकालना है, और कब, जब हमारे पास स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, व्हेन एल इज इक्वल टू 4, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे यहां पे स्लैंट हाइट आपके पास 4 रहेगी, और उसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है हमें। और क्या कह रहा है, वेयर द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज π/6 और ये एंगल π/6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 सारे एक जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए सब में यही था पाई आर स्क्वायर एच, और हम लोगों को 21, 22, 23 में तो dh/dt निकालना था। चेंज क्या था,
21 में हमें आर और एच के बीच में रिलेशन के लिए एंगल दे दिया, 22 में हम लोगों के आर और एच के बीच में रिलेशन आर एच इज इक्वल टू 1/6 R दे दिया, और 23 में हम लोगों क्वेश्चन को अभी जैसे हमने प्रीवियस किया थोड़ा सा घुमा दिया था और उसकी टोटल कोन की हाइट और रेडियस दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें dH अपॉन dt नहीं निकालना, dL अपॉन dt निकालना है। तो R और H को L में चेंज करना पड़ेगा। तो R और H को जब हम L में चेंज करेंगे, सपोज यहां पे रेडियस R है, ये हाइट H है और ये एंगल गिवन है, तो साइन पाई बाय 6 और कॉस पाई बाय 6 की हेल्प से R और L में रिलेशन और H और L में रिलेशन निकाल देंगे। मींस R की वैल्यू L की टर्म्स में और H की वैल्यू L की टर्म्स में हम फाइंड आउट कर देंगे। हमारे पास सिंपल एक ट्राइंगल ये गिवन है, ये ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, ये आपके पास पाई बाय 6 है, ये एल है, ये एच है और ये आर है। तो आप आर की वैल्यू एल की टर्म्स में, एच की वैल्यू एल की टर्म्स में निकालिए और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वी आ जाएगा आपके पास एल की टर्म्स में और फिर डीवी अपॉन डीटी कर दीजिए, तो डीएल अपॉन डीटी आपके पास फाइंड आउट करना है। तो इतना सा क्वेश्चन है। तो सपोज दिस इज ए बी सी, और अगर हम ए बी सी की बात करें तो cos pi by 6 is base upon hypotenuse, तो base तो इसका हो गया h, h upon l, and cos pi by 6 is root 3 by 2 is equal to h upon l, and this is h is equal to root 3 by 2 l. Say this is your equation number second. Pi by 6, sin pi by 6 is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular r, hypotenuse l, and this sin pi by 6 is 1 by 2 is equal to r upon l. This implies r is equal to l by 2. Say third. अब इस first, second और third से v की value l की terms में हम लोग ले आएंगे बहुत simply. तो क्या हो जाएगा, first, second and third implies v is equal to 1 upon 3 pi. R square is l square upon 4. और h, h is root 3 by 2 l and this is v आ गया। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dv अपॉन dt आ जाएगा हमारे पास, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 root 3 एंड पाई 3 l स्क्वायर dl अपॉन dt, एंड दिस इंप्लाइज dv अपॉन dt की वैल्यू 1 है हमारे पास, इज इक्वल टू रूट 3 से ये कैंसिल एंड दिस इज, ये सारी टर्म्स इधर 1 अभी ऐसे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3 पाई एल स्क्वायर अपॉन 8 dl अपॉन dt। तो यहां से आ जाएगा dl अपॉन, सिंपल कैलकुलेशन है, 8 अपॉन रूट 3 पाई एल स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज dl अपॉन dt हमें निकालना है l इज इक्वल टू 4 पे, तो हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3 पाई एल स्क्वायर इज 16 इंटू 16, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दिस इज अवर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है, क्या क्या टर्म्स गिवन है हमारे पास, उसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 7.1, 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 7.2 टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।